संग्रहालय की गलियारों से। केंद्रीय अभिलेखागार द्वारा निर्मित इस कार्यक्रम के एक कहानी खंड में आज प्रस्तुत है कहानी मणिपुर की मणि। लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से एक कहानी। नमस्कार श्रोताओं, कहते हैं जीवन में बहुत कुछ हमें हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं तो बहुत कुछ हम समय और अपने अनुभव से भी सीखते हैं। मनी यानी पैसा, धन, ये ऐसा शब्द है जो किसी भी भाषा में क्यों ना कहा जाए, किसी भी वर्ग या उम्र का व्यक्ति क्यों ना हो, सबको आकर्षित करता है। पर यह भी सच है कि मनी का एक आशय पूंजी भी होता है। अब किस तरह की पूंजी आप जीवन में अर्जित करते हैं या करना चाहते हैं, ये निर्णय आपको करना होता है। महामारी के दौरान हम सब ने ये अनुभव किया कि धन की पूंजी से कहीं अधिक संबंधों और सम्मान की पूंजी काम आई। कदाचित इसी से आपका आंकलन और निर्णय भी होता है कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा का आधार क्या है, किस प्रकार का आदर्श या उदाहरण आप अपने अपनों के सामने, अपने आसपास के परिवेश में स्थापित करते हैं। कहना ना होगा, यही आपका संस्कार बन जाता है और आपके बच्चों में, पीढ़ियों में संचारित होता है। अब ये निर्णय आपको करना है कि मनी की आपकी परिभाषा क्या है। आइए सुनते हैं वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित कृति मणिपुर की मणि। नाम बड़े दर्शन छोटे, उस गाँव का नाम तो है मणिपुर पर वहां कोई मनी नहीं है। गांव छोटा सा है, झांसी जिले का गांव, आबादी कुल 70-75 की है। सबके पास थोड़ी थोड़ी सी खेती है। उस दिन सवेरे जैसी चहल पहल ऐसे गांव में होती है वो तो थी ही। गाय बैल रंभा रहे थे खूंटे छोड़कर बाहर चरने के लिए। नारियों का गीत अंतिम पड़ाव में था। कुछ लोग हल लेकर खेत बोने के लिए निकल पड़े थे क्योंकि कार्तिक लग चुका था। कुछ लड़कियां गांव की नहर में नहाकर गाती हुई चली आ रही थी। सखीरी मैं तो भईना बिरज की मोर। रास्ते की एक मोड़ पर जहां से दो गलियां फूटती थीं, आमने सामने के चबूतरों पर बैठे कुछ लोग कोहराम मचा रहे थे। बनाओ घूरे पर मकान, फिर देखो खून की धार बह उठेगी। आजा बहुत मन में भरी हो तो खोपड़ी तोड़ दूंगा, छाती फोड़ दूंगा। अरे तुम्हारे घर में पान देवा तक ना बचेगा। घूरा हमारा है, तुम्हारे बाप दादों का नहीं है। थोड़ी सी दूरी पर एक कुआं था, उसके आसपास के पेड़ों पर चिड़िया चहचा रही थी। मानो उस शोर का साथ देने के लिए वे भी उतावली हो उठी हों। पनघट पर कुछ स्त्रियां पानी भर रही थी। वे लड़ाई बढ़ती देख जल्दी से पानी लेकर चली गई। कार्तिक स्नान करके लौटने वाली लड़कियां बिरज की मोर बनने की आकांक्षा त्याग कर डंगे बढ़ाती हुई अपने अपने घरों में जा समाई। चरवाहों को वहां खड़े रहने या ठहरने की कोई वजह नहीं जान पड़ी क्योंकि उन दोनों पड़ोसियों में उस घूरे को लेकर तीसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ झगड़ा होता ही रहता था। उस दिन गर्मा गर्मी कुछ अधिक हो गई थी, परंतु उन्हें समय पर खेत बोने की चिंता अधिक थी। पड़ोस के घरों के भीतर चक्कियों के गीत उस चहल पहल के नीचे फीके फीके स्वरों में चल रहे थे क्योंकि उन्हें ना तो वो झगड़ा दिखाई पड़ रहा था न सुनाई पड़ रहा था। जिन दो लोगों में घूरे को लेकर विवाद चल रहा था, एक का नाम था हरलाल और दूसरे का बलवीर। घूरा 8-10 हाथ लंबा था और लगभग उतना ही चौड़ा था। बलवीर कहता था कि घूरे वाली जमीन हमारी है क्योंकि 20-21 साल पहले उस पर उसके बाप ने फूस की एक झोपड़ी खड़ी की थी। हरलाल कहता था कि जमीन हमारी है क्योंकि 10-12 वर्ष से वो उस पर अपना राख कूड़ा इत्यादि डालता आया था। झोपड़ी वहां 15 वर्ष से नहीं थी, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु कभी तो थी बाप की झोपड़ी उस जगह पर, बलवीर का ये दावा था।
घूरे को हटाकर बलबीर वहाँ एक कच्चा मकान उठाना चाहता था। निकट होने के कारण उसमें कुछ जानवर बांधने की गुंजाइश निकल आती। हमारे बाप का घर उस जगह पर रहा है, संसार भर जानता है, बलबीर चिल्लाया। बोले जाओ झूठ, बोले जाओ, तर जाएंगे तुम्हारे बाप। चार बांसों पर घास के 8 पूले छा दिए और धर दिया उसका नाम घर। जन्म जन्म से हमारा घूरा चला आता है वहां और आज भी है वहीं। हरलाल और भी जोर के साथ चीखा। उसी समय कुएं के पास 2 बच्चे खेलते हुए आए। दोनों लड़कियां थीं, 4-4 वर्ष की आयु होगी उनकी। पनघट के नीचे कीचड़ था। वे दोनों उस कीचड़ में से बैल भैंस बनाने लगी। उन्हें उस शोरगुल की कोई परवाह नहीं थी। हंस हंस कर, घुल घुल कर बड़ी बड़ी बातें बनाती, खिलौने बना रही थी दोनों। खिलौने बनाते बिगाड़ते वे एक दूसरे के चेहरे पर नक्काशी कर उठी। माथे पर, गाल पर एक दूसरे के टीके लगा रही थी और वे साथ गा भी रही थी। छक्की में फैना मोर। बिरज इसमें से गायब हो गया था। उधर जवाबी युद्ध चल रहा था। घूरे पर खोदी नींव, अरे उसी कुदाली फावड़े से वाहना गाड़ दिया तो हमारा नाम हरलाल नहीं, और उसी कुदाली फावड़े से तुम्हारे टुकड़े करके नींव में गाड़ेंगे। हाँ, तब पत्थर भरेंगे। हमारा नाम बलवीर है, बलवीर। वाग युद्ध अभी तक बैठे बैठे हो रहा था, अब खड़े खड़े होने लगा। अभी तक एक दूसरे के हाड़ मांस और बोटी खोपड़ी उस युद्ध की मोर्चेबंदी के लक्ष्य थे। चबूतरे पर लाठियां न थीं, भीतर थीं। उन दोनों दलों का ध्यान या मन घरों के भीतर रखी हुई लाठियों की तरफ गया ही होगा कि एक लड़की रोती हुई कुएं की ओर से बलवीर के पास आई। बलवीर ने उसके चेहरे मोहरे पर कीचड़ की अपठनीय लकीरें देखते ही पूछा, मुन्नी क्या बात है? उस लड़की का नाम मुन्नी था और वो बलवीर की पुत्री थी। रोते रोते मुन्नी ने कहा, कचिया, कचिया कुआं, दादा कचिया। अरे मत खेला कर कचिया के साथ। देखो तो हमारी सीधी सादी मुन्नी के मुंह का तुम्हारी कसिया ने क्या हाल कर दिया है। बलवीर भड़बड़ाया। मुन्नी रो रही थी, फिर चिल्लाई, दादा दादा कचिया कुआं कचिया। उन दोनों की लड़ाई ने एक क्षण के लिए दूसरी मोड़ पकड़ी। हरलाल तीखे स्वर में बोला, है कहां हमारी बिटिया कुएं के पास जो उसने तुम्हारी मुन्नी के मुंह पर कीचड़ पोता हो। बलवीर मुन्नी का कीचड़ अपने कुर्ते से पोछने के लिए चबूतरे से नीचे आया। जैसे ही उसने झुककर कीचड़ पोछने के लिए हाथ बढ़ाया कि सिसकती हुई मुन्नी ने बलवीर का हाथ पकड़कर कुएं की दिशा में खींचा और उसी ओर अपने छोटे छोटे पैर बढ़ाकर चिल्लाई, कच्चिया दादा कच्चिया कुआं। बलवीर ने समझा कि कचिया पनघट की आड़ में कहीं छिपी बैठी होगी। सोचा कि वहां जाकर उसे थोड़ा सा डांट फटकार देंगे जिसमें मुन्नी का मन रह जाए। मुन्नी बलवीर के हाथ की उंगली पकड़े कुएं की तरफ ले चली। बलवीर कहता गया, ये ना समझना हरलाल की मैदान छोड़कर भाग रहा हूं, मुनिया को उधर कराऊं फिर आता हूं। अरे हम भी कहीं नहीं जावेंगे, आज घूरे का किस्सा न निपटाया तो अन्न का मुंह न देखेंगे। हरलाल का दल वहीं रहा। बलवीर कुएं पर जा पहुंचा। वह कसिया नहीं थी। मुन्नी के सिर पर हाथ फेरते हुए बलवीर ने पुचकारा, बिटिया कसिया कहीं भाग गई है, जब मिलेगी तब देखूंगा उसे मैं। हाँ, मुन्नी ने सिसकते कंठ से फिर कहा, दादा कचिया कुआं दादा। और उसने कुएं की ओर अपनी नन्ही उंगली जिस पर लगा कीचड़ अब सूख गया था उठाई, बढ़ाई और हिलाई। बलवीर मुन्नी को शांत करने के लिए कुएं पर चढ़ गया और बोला, अरे मुनिया कसिया यहां भी नहीं छिपी है। बलवीर कुएं के मुहाने पर खड़ा हुआ था। मुन्नी की आंखों के आंसू उसके गालों के कीचड़ पर बारीक रेखा खींच रहे थे और मुन्नी की वो पतली छोटी उंगली उसी तरफ इंगित कर रही थी। अचानक बलवीर के कान में आवाज पड़ी, छपक छपक छप छप। यह आवाज कुएं में से आ रही थी। बलवीर ने कुएं के भीतर निगाह डाली। उसे लगा जैसे वहां कोई छटपटा रहा हो।
कुआं बहुत गहरा ना था, पानी होगा कोई 20-22 हाथ नीचे। बलवीर को निश्चय करने में एक क्षण की भी देर नहीं लगी, धड़ाम से कुएं में कूद पड़ा। मुन्नी और भी जोर से चिल्लाई, दादा कुआं, कच्चिया, दादा कुआं। चबूतरे पर बैठे लोगों ने देख लिया। हरलाल के दलवाले और बलवीर के दलवाले सभी लोग दौड़ पड़े। वे तुरंत कुएं पर आ पहुंचे। कुएं के मुहाने को सबने चारों ओर से घेर लिया। एक हाथ में बलवीर बच्चे को लेकर तैर रहा था, दूसरे हाथ से उसने कुएं के बांध का एक पत्थर पकड़ रखा था। वो बोल कुछ नहीं रहा था, शायद बोल ही नहीं सकता था। अरे अरे, ओहो ओहो भैया दौड़ियो, अरे अरे दौड़ो, अरे भैया दौड़ो। इस तरह की पुकारें कुएं के चारों तरफ लग रही थी। मुन्नी कुछ दूर खड़ी से सक रही थी। रस्सियों और एक बड़ी पीढ़ी का प्रबंध किया गया। रस्सियों के सहारे पीढ़ी कुएं के भीतर डाली गई, बाहर कई कंठों से निकला। अरे हम आवे बलवीर तुम्हें पीढ़ी पर संभालने के लिए। भैया हम आ सकते हैं, आ जाए क्या? भीतर से कोई उत्तर नहीं मिला। पीढ़ी नीचे पहुंच चुकी थी। बलवीर ने तैर कर पीढ़ी जा थामी और उस बच्चे को पीढ़ी पर रख दिया। फिर बैठे गले से बोला, खींचो। लोगों को खींचने में विलंब नहीं हुआ क्योंकि बहुत से थे। बलवीर कसिया को पीढ़ी पर संभाले रस्सियों से लटका हुआ ऊपर आ गया। बलवीर थक गया था, कसिया अचेत थी, उसके पेट में पानी भर गया था। तुरंत उपचार हुआ, पेट का पानी निकल गया, कसिया चेतन हो गई। हरलाल उसे अपनी गोद में लिए फपक फपक कर रो रहा था। बलवीर कुएं के एक पाए से टिककर बीड़ी पी रहा था, जो उसके एक साथी ने उसे सुलगा कर दी थी। मुन्नी कुएं के नीचे खड़ी कभी बलवीर और कभी कसिया को देख रही थी। वो बहुत ही धीमे सुर में बोली, दादा, दादा कच्चिया। दादा बीड़ी के धुएं में कोई सपना सा देख रहा था। कसिया ने मुन्नी की ओर देखा, परंतु वो बोल ना सकी। आ बिटिया, इधर आ मुनिया। हरलाल ने फपकते गले से कहा। मुन्नी बारीक स्वर में बोली, नहीं नहीं दादा, दादा मारेंगे। बलवीर ने खांसते हुए आश्वासन दिया। अरे नहीं बिट्टी, कोई किसी को नहीं मारेगा। किसी की आंख में आंसू था, किसी के मुंह में बीड़ी का धुआं, और कोई जली दिया सलाई की नोक से भूमि कुरेद रहा था सिर नीचा किए। उनमें से एक मस्करा या बेतुका भी था। वो बोला, भैया ये तो जो होना था सो भगवान की कृपा से हो गया है। अब घूरे वाली बात तय कर लो, वही चबूतरों पर चल के। और जरा मुस्कुराया। भाड़ में जाए घूरा, बलवीर भैया बना लो उस पर, चाहे जैसा महल बना लो, हम घूरे के लिए दूसरी जगह ढूंढ लेंगे। हरलाल ने कसिया को अपने साफे से ढकते हुए कहा। बलवीर कुएं के पाए से टिका बैठा था, खड़ा हो गया और तनकर बोला, घूरा ससुरा घूरा ही रहेगा, हम दूसरी जगह घर बना लेंगे। कसिया धीरे से बोली, मुन्निया। और किसी ने सुना हो या ना सुना हो, मुन्नी कह रही थी, कच्चिया कच्चिया छक्की मोर कच्चिया। अभी आपने सुनी कहानी मणिपुर की मनी। लेखक थे वृंदावन लाल वर्मा। वाचन था राहुल दक्ष का। कंपेयर थी तपस्या। कार्यक्रम सहायक जतिन मीणा और निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव। ये कहानी सारंग पत्रिका में 7 अगस्त 1958 को प्रकाशित हुई थी। श्रोताओं, हमारे अन्य कार्यक्रमों के लिए आप प्रसार भारती आर्काइव्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने परामर्श और राय हम तक पहुँचाने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है archives@prasarbharti.gov.in।